चल आज हम बनाएंगे मट्ठी। मट्ठी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन में मैदा लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। अब हमने मैदे को छान लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें। एक चम्मच नमक। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इसको हम मसल के डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा होल कर लेंगे। अब मैंने आधी कटोरी रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहे इसमें घी भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच मीठा सोडा। एक चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, एक मोई सी तैयार कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिलाना है। अब हमने अच्छी तरह से रिफाइंड को मिला लिया। ये देखिए अच्छी सी मोई बन गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेंगे। इसका आटा हम थोड़ा टाइट ही गूंदेंगे। अब हमने आटे को गूंद लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा तेल, रिफाइंड तेल लगाकर इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। इसको अच्छी तरह से हम तेल लगा लेते हैं। अब हमने अच्छी तरह से तेल लगा दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम ढक के रखेंगे। अब हमारे आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए अब इसको हम एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे इसको घी में भी बना सकते हैं। तेल को हम गर्म होने देते हैं, हम अपनी मट्ठियाँ तैयार कर लेते हैं। अब एक हम लोई तोड़ेंगे, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं मट्ठियों को। अब इसके हम बेड़े कर लेंगे। अब हम पेड़े कर लेते हैं। अब हमने सारे पेड़े कर लिए। अब इसको हम बेल लेते हैं। हम ज़्यादा पतली नहीं करेंगे, इसको मोटी मोटी बनाएंगे। आप चाहे पतली भी बना सकते हैं, मैं बस इतनी सी बनाऊंगी, इतनी मोटी बनाऊंगी। अब हम अपने सारे ऐसे ही मट्ठियाँ तैयार कर लेते हैं बेल कर। अब हमने सारी मट्ठियों को बेल लिया। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मट्ठी डालेंगे, गैस को कम ही रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। दो मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, फिर हम इसको पलटेंगे। अब हमारी मट्ठियों को बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम पलट लेते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हमारी मट्ठियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं।
अब एक बर्तन है हमें निकाल लेंगे। अब हम सारी मठेंगे ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। अब हमारी सारी मठियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।